दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्रिंटर्स को कवर करने वाले हैं। अब आज की डेट में मार्केट में अगर आप देखो तो 10-12 कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स हो गए हैं जिनके अंदर अलग फिर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है इंक जेट प्रिंटर, फिर डेस्क जेट, फिर लेजर जेट, फिर इंक टैंक प्रिंटर्स, फिर मल्टी फंक्शन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, 3D प्रिंटर, मतलब पता नहीं कितनी सारी कैटेगरीज हो गई। अगर आज की डेट में अगर किसी को एक प्रिंटर चाहिए हो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा काम किस तरीके का है और प्रिंटर मुझे एक्चुअल नीड कौन से प्रिंटर की है। इस वीडियो में सारी ओवरव्यू करने वाले हैं सारी कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स का, और एक रिजल्ट निकाल के आपको पता चल जाएगा आपके यूज के हिसाब से कि आपको कितना यूज है तो कौन सा प्रिंटर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा जो कि आपको बेस्ट कॉस्ट में पड़ जाए। और फीचर्स को भी अलग से देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आज की डेट में प्रिंटर्स में हमको देखने को मिल रहे हैं। सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि प्रिंटिंग कॉस्ट का क्या सीन है, रिफिल कॉस्ट का क्या सीन है, एड ऑन फीचर्स का क्या सीन है, सब कुछ। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंक जेट प्रिंटर्स की। इंक जेट प्रिंटर्स वो हो गए जिसमें कुछ इस तरीके के कार्ट्रिजेस लगती हैं और कार्ट्रिजेस में नोजल्स लगी होती हैं, और इस नोजल्स के थ्रू जो है इंक का सप्लाई बनता है पेपर के ऊपर, जिसकी मदद से सारी प्रिंटिंग होती है। अब ये वाली जो प्रिंटर्स है ना, इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है अगर आप एज अ होल सेटअप देखो, लेकिन अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप एक फ्रेश प्रिंटर खरीदते हो तो इंक जेट प्रिंटर आपको स्टार्टिंग 1800 रुपये से आपको स्टार्टिंग प्रिंटर मिल जाता है, जो कि बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है। अगर आप HP देख लो या कैनन देख लो, काफ़ी सारे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं इस रेंज में, लेकिन वो तब जब आप एक पैकेज में लो एक कंप्लीट प्रिंटर। लेकिन जैसे ही आपकी वो फर्स्ट सेट जो फ्री इंक की बॉटल्स आती हैं बॉक्स के अंदर, वो जब ख़त्म हो जाती हैं, तो आपके पास जब आप अगर आप नए कार्ट्रिजेस लो जो कि कंपनीज रिकमेंड करती हैं, हालांकि हम लोग नहीं करते हैं, हम तो उसको मार्केट से रिफिल करा लेते हैं 100-150-200 रुपये में। अगर आप वो रिफिल की कॉस्ट देखो कार्ट्रिज की, तो वो 800 रुपये की कॉस्ट पड़ती है। 800 रुपये की इंक और 1800 रुपये का पूरा प्रिंटर जिसके अंदर इंक वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बिल्कुल समझ नहीं आती भाई। बेसिकली इन प्रिंटर्स का यूज़ तब है जब आपको महीने के कुछ 10-15 प्रिंट निकालने होते हैं, ज़्यादा कोई आपका प्रिंटिंग का काम नहीं है, होम यूज़ के लिए, कभी बच्चों को थोड़े बहुत प्रोजेक्ट फाइल्स के कभी कुछ प्रिंटआउट्स निकालने हैं इस तरह, या फिर कभी फैमिली फोटोग्राफ्स प्रिंट करने का मन कर जाता है, सिर्फ इसी काम के मतलब का है। इसके अलावा आप कमर्शियल यूज़ में इस चीज़ को नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो डेस्क जेट प्रिंटर। अब ये इंक जेट से क्या अलग है, इसमें बेसिकली कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ब्रांडिंग का फर्क है। इसका मतलब HP ने जो अपने इंक जेट प्रिंटर्स का नाम है उसको बदल के डेस्क जेट कर दिया था। अगर आप अभी गूगल करके देखोगे अपने फोन पे HP इंक जेट प्रिंटर्स, तो जितने भी प्रिंटर्स लिस्ट होंगे वो डेस्क जेट नाम से ही लिस्ट होंगे। वहीं पे अगर आप कैनन पे कोई सर्च करते हो कैनन के डेस्क जेट प्रिंटर, तो वो वहां पे आपको सारे कैनन के इंक जेट प्रिंटर ही दिखाएगा। बेसिकली सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क है, कुछ भी और ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लोग ऐसा जरूर बोलते हैं कि HP ने जो इंक जेट प्रिंटर्स हैं उनको थोड़ा सा और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया, जिससे कि प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर आती है, इसीलिए उसको रीब्रांड करके डेस्कजेट नाम से बेच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इंक टैंक प्रिंटर्स। बेसिकली आप कैसे कह सकते हो कि जो इंक जेट प्रिंटर्स थे उनका नेक्स्ट जनरेशन या उनसे एडवांस्ड वर्जन है। बेसिकली जैसे इंक जेट प्रिंटर्स के अंदर कार्ट्रिजेस को रिफिल करते थे वो, और वो कार्ट्रिज अंदर इंस्टॉल होती थी प्रिंटर के, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें कार्ट्रिज बाहर लगी होती है और आप खुद अपने हाथ से रिफिल कर सकते हो। बॉटल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, चाहे मार्केट में या फिर ऑनलाइन, आप सिंपली उनको परचेज करो, बाहर फिल करो और वो पाइप या नोजल के थ्रू अंदर प्रिंट हेड तक जाती है जहां से सारी की सारी प्रिंटिंग होती है। अब आज की डेट में इंक टैंक प्रिंटर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत इकोनॉमिक भी हैं। इकोनॉमिक इन द सेंस कि 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फेमस इसीलिए हैं क्योंकि इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। इवन अगर बात करूं प्रिंटिंग कॉस्ट की, तो क्लोज टू 5-10 पैसे तक के ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, जो कि रीजनेबली प्राइस्ड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इनिशियल कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग रन के लिए इतनी प्रिंटिंग कॉस्ट चाहिए तो। अब काफी सारे लोग इन प्रिंटर्स को अपने नॉर्मल यूसेज के लिए लेते हैं, जो कि परफेक्टली फाइन है, लेकिन अब इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक इंक टैंक प्रिंटर प्रेफर करने वाले हो अपनी परचेज के लिए। पहली बात तो ये कि ये आवाज़ बहुत करते हैं। जब हेड ऐसे मूव करता है इसका प्रिंटिंग के लिए, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको नॉइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इंक टैंक की तरफ मत जाना। दूसरी बात ये कि इसकी जो PPM है इसका, वो क्लोज टू 8-12 तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन मॉडल्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको अब कंपेयर करो लेज़र प्रिंटर से, अब लेज़र प्रिंटर्स डेफिनेटली इंक टैंक से थोड़े से महंगे भी हैं और थोड़े से उसके सेम सेगमेंट में भी फॉल करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको नीड क्या निकालनी है अपने प्रिंटर से।
से फर्क ही आ जाता है कि इंक टैंक प्रिंटर, अगर 10,000 रुपए का आप इंक टैंक प्रिंटर ले रहे हो तो वो आपको कलर्ड ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन लेजर अगर आप ले रहे हो तो ब्लैक एंड व्हाइट ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है। साथ में दूसरी चीज ये कि इसकी जो स्पीड होती है लेजर प्रिंटर की वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंक टैंक प्रिंटर, क्लोज टू 20 से 40 PPM तक बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में ऑप्शन। यहाँ पे दूसरी चीज है यील्ड की, इसका मतलब कि अगर आप लेजर प्रिंटर की जब टोनर रिफिल कराते हो तो उसमें कितने पेजेस प्रिंट हो जाते हैं वो भी काफी ज्यादा है, क्लोज टू एक रिफिल में 1500 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस प्रिंट हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लेजर प्रिंटर का, अगर आप देखो तो मतलब बिल्कुल हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स होते हैं, आपको अगर लॉन्ग रन के लिए चाहिए कि ठोस बिल्कुल चीज जिसे कहते हैं तो आप लेजर प्रिंटर बिल्कुल ले सकते हो। इवन मैं अपनी बताऊं तो आज क्लोज टू 12 साल हो गए हैं HP का मैं प्रिंटर यूज करता हूं अपने ऑफिस पे, HP LaserJet 1020, अब वो आज 12 साल हो गए हैं और आज भी इसमें कोई एक रुपए की कोई दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ उसका कार्ट्रिज रिफिल कराते हैं और फर्स्ट क्लास 3-4 ms प्रिंट कर देता है। ऐसे अगर आपको लॉन्ग रन के लिए चाहिए और रोज प्रिंटआउट्स निकलने हैं, 10-20-30 प्रिंटआउट्स रोज निकलने हैं, ऐसे में आपको LaserJet ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक प्रिंटर की कैटेगरी जो आज भी काफी ज्यादा यूज होती है लेकिन ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आपने तब देखा होगा जब पुराने जमाने में, अब तो कह सकते हैं कि पुराने जमाने में जब हम बैंक्स में जाते थे तो वहां पे प्रिंटर की जी 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 ऐसे करके बहुत इरिटेटिंग आवाज आती थी और उसकी जो प्रिंटिंग का जो रेजोल्यूशन आप कह लो वो बिल्कुल लो होता था, मतलब समझ ही गए बस मैट्रिक्स नाम से ही सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो गई। इनमें क्या होता है कि इन प्रिंटर्स की स्पीड बहुत कम होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा करते हैं और इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती थी, अब लेकिन ये ऑब्सोलीट हो गई है, इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज की डेट में बिल्कुल इरेलेवेंट है अगर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेते हो तो, लेकिन आज भी काफ़ी सारी बैंक्स या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक बार को देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद एक कैटेगरी है A3 प्रिंटर्स, ये कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स आपको इंकजेट की कैटेगरी में मिल सकता है और लेजर में भी मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पे फर्क क्या है कि जो A4 प्रिंटर हम साइज यूज करते हैं नॉर्मल अपने प्रिंटर्स में, ये प्रिंटर उससे जस्ट डबल साइज यानी A3 साइज के पेजेस भी प्रिंट कर सकता है। तो अगर आपकी ऐसी नीड है कि आपको A4 पे काम नहीं चलेगा, बड़े पेपर पे आपको अपना सारा वर्क निकालना है, तो ऐसे में आपको A3 प्रिंटर की नीड पड़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों हैवी ऑफिस यूज रह जाता है, अब जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं या फिर बैंक्स हो गए या फिर जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और इंस्टेंट पूरे दिन प्रिंटआउट्स निकलने ही निकलने हैं, ऐसे में जो हैवी यूसेज हो जाता है जब प्रिंटिंग का, तब ऑफिस जेट प्रिंटर्स के नाम से एक कैटेगरी चलती है जिसके अंदर बिल्कुल हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स चलते हैं। कंपनी सारी यही हैं, सिर्फ इनकी कैटेगरीज अलग हैं बनाने के लिए। ये वाले जो प्रिंटर्स होते हैं इसमें मंथली साइकिल 30,000 पेज 40,000 पेज मंथली आप इनके ऊपर इतना लोड डाल सकते हो और बहुत ईजिली इसको झेल जाते हैं। ये वाले प्रिंटर सिर्फ लेजर पर ही करते हैं और ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे हम ब्लैक ही प्रिंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर्स, बेसिकली इन वाले प्रिंटर्स में ये हर तरीके से सेट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप डेस्कजेट में चाहो कि मल्टी फंक्शन मिल जाए तो मिल जाएगा, इंक टैंक में चाहो मल्टी फंक्शन मिल जाए मिल जाएगा, अगर आप लेजर में चाहो मल्टी फंक्शन मिल जाए मिल जाएगा। फर्क सिर्फ ये होता है ऊपर एक स्कैनर लगा हुआ होता है जिसकी मदद से दो फंक्शन ये लोग ऐड कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, पहला स्कैन दूसरा कॉपी, बेसिकली काम एक ही है नाम दो हैं। यहाँ पे सिस्टम क्या है कि ऊपर एक स्कैनर लगा दिया जाता है और उसको मार्केट किया जाता है ऑल इन वन के नाम से। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि स्कैनर बिल्कुल सही काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका नॉर्मल यूसेज है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो DPI होता है वो काफी कम होता है अगर आप एक सेपरेट स्कैनर की तरह आप उसको चेक करो तो। इसका मतलब कि अगर आप उस प्रिंटर पे कुछ स्कैन करते हो तो जो इमेज आपको निकल के आती है वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती है, DPI उसका कम होता है। DPI यहां पे होता है डॉट्स पर इंच, इसका मतलब कि उसके अंदर जो रेजोल्यूशन में इमेज जितनी कैप्चर हो रही है जितने डॉट्स कैप्चर हो रहे हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप सेपरेट 4,000-5,000 rupees का एक स्कैनर ले लो तो उसमें अगर आप सपोज करो यहाँ पे 300, 400, 500 DPI तक आपको अगर ऑल इन वन फंक्शन में मिल रहा है तो सेपरेट वाले स्कैनर में आपको 1200 से लेकर 2000 DPI तक का मिल जाएगा। तो कंपनीज यहाँ पे क्या करती हैं ऑल इन वन बनाने के लिए कम DPI वाले स्कैनर्स इंस्टॉल कर देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनको तो बेचना है सिर्फ दिखाना है कि हमने स्कैनर दे दिया, लेकिन एंड कंज्यूमर को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उसको पता है कि भाई स्कैनर मिल गया ठीक है मेरा काम हो गया, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें कुछ अलग ही तरीके से काम कर रही होती हैं। तो अगर आप सिर्फ स्कैनर की वजह से ऑल इन वन लेना चाह रहे हो तो आप एक बार कंसिडर अलग करना कि नॉर्मल वाला एक प्रिंटर ले लो और उसके बाद एक स्कैनर अलग से ले लो, अगर आपका यूसेज इस तरीके का हो कि आपको जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स या फोटोज चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चाहिए तो।
इसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी आती है प्रिंटर की, जो कि है थर्मल या फिर लेबल प्रिंटर्स। ये वो प्रिंटर्स हो गए जो हम रेस्टोरेंट्स में हमको रिसीट्स मिलती हैं या फिर अब तो मूवी की टिकट्स मिलती हैं, वो सारे उस वाइट पेपर पे होती हैं, पेट्रोल पंप पे मिलती है। बेसिकली ये होता क्या है कि गर्मी से प्रिंटिंग की जाती है, अंदर कोई इंक नहीं होती है उसके अंदर हमको, क्योंकि कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो फेड आउट हो जाता है। अगर आपके पास कोई बिल पुराना पड़ा हुआ हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट की परचेज का, तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल फेड आउट होने लग जाता है, और कई बार तो बिल्कुल साफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि है क्या। बेसिकली वो पेपर जो होता है वो अलग तरीके का आता है, उसको थर्मल पेपर कहा जाता है। और उसका रोल जब हम उन प्रिंटर्स में इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर सिर्फ उसको थर्मल गर्म करता है इसका मतलब, और उतने एरिया में वो जल जाता है एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर आपको हाईलाइट होकर दिख जाता है जो हमको लगता है कि प्रिंट होके आया है। ऐसे में कुछ दो तरीके की चीजें होती हैं। लेबल प्रिंटर वो हो गए, सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, सिर्फ अगर आप पेपर का रोल इस तरीके का लगा लो जो लेबल्स हो स्टिकी वाले, तो वो लेबल प्रिंटर की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर आप थर्मल प्रिंटर्स को यूज करो, ATM मशीन या नॉर्मल सारी स्लिप्स होती हैं वो सारी थर्मल प्रिंटर्स में आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज रह गई, वो है 3D प्रिंटर। ये बिल्कुल अलग ही चीज है, बिल्कुल पेपर का कोई यूज नहीं है, इंक का कोई यूज नहीं है, बेसिकली यहाँ पे रेजिन यूज होता है, और 3D आप प्रिंट कर सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए, सिर्फ 2D नहीं, यानी पेपर के ऊपर नहीं, 3D, बिल्कुल 3D में आपको जो चाहिए हो सब बना सकते हो। आपकी सोच या आपकी क्रिएटिविटी इज द लिमिट। पहले ये 3D प्रिंटर बहुत महंगे आते थे, मतलब 60-70 हज़ार से ऊपर, लेकिन आज की डेट में अमेज़न पे 12 हज़ार रुपये से स्टार्ट है, और इसका जो रेजिन होता है वो भी इजीली मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। आप जो शेप चाहो, जो मोल्ड चाहो, कुछ भी चाहो, सब कुछ आप उसको 3D प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली प्लास्टिक का एक फर्मा बना के दे देगा आपको, आप जो बोलोगे। तो दोस्तों ये तो वही सारी बेसिक कैटेगरीज। इसके अलावा एक कैटेगरी है वाईफाई प्रिंटर्स। अब ये मैंने स्पेशली अलग करके रखी क्योंकि इसके बारे में मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। वाईफाई प्रिंटर्स में एक मतलब सेम मॉडल अवेलेबल होता है विदाउट वाईफाई, और एक वाईफाई वाला मॉडल अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है कि इन वाईफाई वाले मॉडल्स के अंदर जो वाईफाई की चिप लगी होती है वो बहुत वीक लगी होती है, इसका मतलब कोई डेडिकेटेड एंटीना नहीं लगा होता, जिसकी वजह से इन प्रिंटर्स की जो वाईफाई रेंज है वो बहुत लिमिटेड, बहुत छोटे एरिया में बन के रह जाती है। अगर आपका यूसेज ऐसा है कि बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स अलग अलग अपने ऑफिस के एरिया से उसको कंट्रोल करें प्रिंटर को, या वाईफाई के प्रिंटिंग को यूज करें, ऐसे में शायद आपका ये यूज नहीं निकाल पाएगा क्योंकि अंदर जो एंटीना की चिप्स लगी होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। रैदर देन आप ये कर सकते हो कि एक नॉर्मल बिना वाईफाई वाला प्रिंटर ले लो, और उसके साथ में एक 1000 या 2000 रुपए का राउटर ले लो जिसके अंदर USB पोर्ट होता है, और प्रिंट सर्वर बना के आप उस नॉर्मल प्रिंटर को वाईफाई प्रिंटर बना सकते हो। ये चीज ज्यादा इफेक्टिव रहेगी क्योंकि उस राउटर के अंदर एंटीनाज लगे हुए हैं जो ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे देख लेना ये कैसे काम करता है। अब इसके बाद ये सारी दोस्तों सारी कैटेगरीज यहाँ पे कवर हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आप जब एक प्रिंटर लेने निकलते हो तो कौन सी सबसे पहली वो 3 चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले चेक करनी है एक प्रिंटर में। सबसे पहले चेक करनी है आपको स्पीड, आपके प्रिंटर की स्पीड कितनी है, जो कि आपको PPM के टर्म्स में वहाँ पे लिखा होगा, जिसका मतलब है पेजेस पर मिनट, हर मिनट के अंदर कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया, वो आपको सबसे पहले चेक करना है। जितना ज़्यादा PPM उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ें चेक करनी है आपको DPI, एक प्रिंटर की आपके प्रिंटर की DPI कितनी है उस प्रिंट हेड की, इसका मतलब 600 DPI, तो मतलब 600 डॉट्स पर इंच। जितनी ज़्यादा DPI उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन आपकी प्रिंटिंग का, उतनी ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प आएगी आपका जो भी डॉक्यूमेंट या आप कुछ भी जो भी प्रिंट करोगे। तीसरी चीज़ दोस्तों कॉस्ट के लिए, अब ये बिल बहुत ज़्यादा वेरिएबल है क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स आते हैं और बहुत सारी कंपनीज इसमें डील करती हैं, ऐसे में आपको एक एक चीज़ मतलब ढूंढनी पड़ेगी कौन कौन सा फीचर आप जो देख रहे हो किस में है और उसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनी में क्या ऑफरिंग मिल रही है। जो एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स मिलती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप वारंटी चेक करो। आप सोच रहे होगे वारंटी तो हर प्रिंटर में 1 साल की होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे इंक टैंक प्रिंटर्स और डेस्क जेट प्रिंटर ऐसे हैं जिनकी वारंटी जो है साल की जगह पे
पेजेस पे आती है। इसका मतलब कि आपने 10,000 पेज प्रिंट कर दिए, आपकी वारंटी ख़त्म। 15,000 पेज प्रिंट कर दिए, वारंटी ख़त्म। ये चीज़ प्रिंटर जब बेचा जाता है तब वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो आप अगर ऑनलाइन ख़रीदो तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर चेक करना। अगर आपकी लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है प्रिंटिंग की, मतलब कि आप 10,000 पेज तो 2 महीने या 3 महीने में ही प्रिंट कर दो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल तक वारंटी मिलेगी। वो 3 महीने के बाद आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी, ऐसा कंपनी बोलती है। तो एक बार यहाँ पे वारंटी ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी ईयरली वाली है या फिर पेजेस वाली है, या फिर दोनों। कई बार कंपनी क्या करती है, स्टार बना के नीचे छोटा सा लिख देती है, ऐसे में वो चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका जो कार्ट्रेज या फिर टोनर जो उस पर्टिकुलर मॉडल में यूज हो रहा है वो कितना ईजी अवेलेबल है, कितना ईजिली रिफिलेबल है, उसकी कितनी ज़्यादा यील्ड है, मतलब एक रिफिल पे कितने पेजेस प्रिंट कर देता है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी जब आप प्रिंटर खरीदोगे उससे पहले। काफ़ी सारे प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉटल कैपेसिटी कम होती है या फिर टोनर की कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से पेजेस कम निकलते हैं। और ऐसे में आपको बार बार, अगर आपका यूसेज ज़्यादा है तो हर थोड़े से दिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बड़ा टोनर वाला वो मॉडल ले लेते हो तो ऐसे में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है रीफिलिंग की, जिसकी वजह से भले कॉस्ट उतनी ही आ रही है आपकी पर पेज प्रिंटिंग की, लेकिन आपको पहले अगर हर महीने जाना पड़ रहा था तो आप कम से कम 3 महीने का गैप आ जाएगा आप जब रीफिल कराने जाओगे। इसके बाद दोस्तों ले देंगे कुछ एडिशनल फीचर्स ही रह जाते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग तो काफ़ी कॉमन भी हो गई है कि एक पेपर डालो दोनों तरफ प्रिंट होकर आएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो चेक करनी है कि पेपर इनपुट ट्रे की कितनी कैपेसिटी है। इसका मतलब एक रिम 500 पेजेस की आती है, तो एक प्रिंटर की जो लोड कैपेसिटी है एक बार में आप कितने पेजेस उसको फीड करके छोड़ सकते हो और टेंशन फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ था पूरा प्रिंटर्स के ऊपर। इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इतने सारे मॉडल्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं आपको पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके बता दूं कि कौन सा मॉडल ले लो। मैं क्या करता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हर कैटेगरी में, हर कंपनी में 2 से 3 अच्छे मॉडल्स जो प्राइस टू वैल्यू बहुत अच्छे हैं वो पूरा लिख देता हूं। लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, 1-2 प्रिंटर्स की मुझे कुछ चीजें चेक करनी है, उसके बाद मैं उसको लिस्ट में डाल के नीचे पब्लिश कर दूंगा। आपको अगर कोई प्रिंटर चाहिए हो तो एक बार आप वो लिस्ट जरूर देख लेना। लिंक्स एफिलिएट वाले होंगे, मुझे थोड़ी सी कमीशन जरूर मिल सकती है, लेकिन आपको 1 भी रुपया ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।